बेसहारा बुजुर्गों का कौन बनेगा सहारा? गुमनाम जिंदगी में कैसे आएगी खुशी? अब खाकी करेगी बुजुर्गों की मदद। बुजुर्गों को सहारा, ऑपरेशन सवेरा। आपने देखा होगा कि ज्यादातर घरों में बुजुर्ग अपना बुढ़ापा अकेले ही काट रहे हैं। खासकर शहरों में आपको ऐसे बहुत मामले मिलेंगे और उसकी वजह है कुछ लोग अपने बुजुर्गों को अपने साथ रखना पसंद नहीं करते हैं। तो कुछ लोगों की मजबूरियां ये होती हैं कि कोई विदेश में नौकरी कर रहा है तो कोई दूसरे राज्य में। ऐसे में उनके माता पिता बुजुर्ग घर पर अकेले हैं, तनहा हैं और गुमनाम जिंदगी जी रहे हैं और उनकी सुरक्षा एक बड़ा सवाल है। लेकिन ऐसे बुजुर्ग के लिए अब खाकी सामने आ रही है। आज जागते रहो में हम यही दिखाएंगे कि कैसे पुलिस अब बुजुर्गों की मददगार बन रही है और क्या ऐसी पहल हर जगह होनी चाहिए। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं कुंदन जमैर। तो आज बुजुर्गों की बात होगी और बुजुर्गों के लिए चलाए जाए ऑपरेशन सवेरा की बात होगी। आज बुजुर्गों को कैसे सुरक्षा दी जा रही है उस पर बात होगी। दरअसल उन बुजुर्गों की जो बेसहारा हैं, जो अपने बुढ़ापे को अपने बच्चों से दूर रहकर काट रहे हैं, उनके लिए क्या योजनाएं हैं, इस पर बात होगी। आज वो अकेले हैं, आज गुमनाम है, आज उनकी सुरक्षा का सवाल है। उनकी मजबूरियां ऐसी हैं कि किसी का बेटा विदेश में नौकरी करता है तो किसी का बेटा दूसरे राज्य में कमाने के लिए चला गया, तो कोई बे औलाद और इसलिए वो गुमनामी में जी रहे हैं। लेकिन उन बुजुर्गों की कोई बड़ी इच्छा नहीं है। भगवान ने उन्हें जैसी जिंदगी दी है वो खुश हैं, लेकिन सिर्फ वो चाहते हैं कि कोई उनका हालचाल जान ले और हम बुजुर्गों का दर्द दिखाएंगे और ये भी आपको दिखाएंगे कि कैसे गाजियाबाद पुलिस बुजुर्गों की जिंदगी में एक नया सवेरा बन रही है। हमारी भागती दौड़ती जिंदगी के बीच हमारी नजर शायद ही हमारे बुजुर्गों पर हो। हालांकि कुछ लोग बुजुर्ग माँ बाप को लेकर बेफिक्र होते हैं तो कुछ लोग बेहद चिंतित रहते हैं। लेकिन लोगों की मजबूरियां ऐसी हो जाती हैं कि बुजुर्ग तनहा और गुमनामी की जिंदगी में जीते हैं। बच्चों के बाहर रहना और निसंतान होना बुजुर्गों के लिए बड़ी टेंशन है और उनकी सुरक्षा भी एक बड़ा सवाल। लेकिन गाजियाबाद पुलिस बुजुर्ग दंपतियों की गुमनाम जिंदगी में मुस्कान भर रही है और उजाला बिखेर रही है। दरअसल गाजियाबाद पुलिस ने बुजुर्गों की मदद के लिए ऑपरेशन सवेरा को फिर से लॉन्च कर दिया है और ऑपरेशन सवेरा से बुजुर्गों से जुड़कर पुलिस उनकी हर संभव मदद कर रही है। सर, जैसा रेस्पॉन्स देख रहे हैं तो कहाँ तक आप मान रहे हैं कि कितने और लोग इससे जल्दी से जुड़ेंगे? देखिए, गाजियाबाद की जो अनुमानित जनसंख्या है वो करीब 55 लाख के आसपास है और इसमें 7 से 8 लाख हमारे सीनियर सिटीजन होने चाहिए। सेंसस टू की 2011 में ही हुआ था और हमारा टारगेट भी है कि वर्ष के अंत तक, दिसंबर के अंत तक कम से कम 5 लाख बुजुर्गों को इस प्रोजेक्ट से हम जोड़ लें। ऑपरेशन सवेरा की रीलॉन्चिंग के बाद गाजियाबाद पुलिस कमिश्नर ने खुद से इसकी कमान संभाली और रोजाना मॉनिटरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद महज 22 से 23 दिनों में ही इसमें 1,07,000 बुजुर्गों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। ऑपरेशन सवेरा में डायल 112 से 20 से अधिक इमरजेंसी सुविधाएं जुड़ी हुई हैं। यदि कोई बुजुर्ग इमरजेंसी में एम्बुलेंस या फायर ब्रिगेड के लिए फोन करता है या कोई मुसीबत में फंसता है तो फौरन पुलिस उनकी मदद के लिए पहुंचेगी। चूंकि 112 में सवेरा प्रोजेक्ट में जो लोग रजिस्टर होंगे उनका एग्जैक्ट नाम, पता, फ्लैट नंबर, गली नंबर सब कुछ हमारे डेटाबेस में सेव रहता है। ऐसी सिचुएशन में अगर वो फ़ोन करेंगे तो सामान्य की कॉल पे मिलने वाली जो टाइम लगता है टाइम, और इनको जो टाइम लगेगा कम से कम 2-3 मिनट की बचत होगी। तो मैं मान सकता हूँ अभी हमारा 6 मिनट 55 सेकेंड या 6 मिनट 39 सेकेंड एवरेज रिस्पॉन्स टाइम है, तो ऐसी सिचुएशन में 4-4.5 मिनट या उससे कम में भी सेवाएँ मिल सकती हैं उनको।
हालांकि ऑपरेशन सवेरा से जुड़ने में बुजुर्गों ने पहले तो कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई, लेकिन पुलिस की मिलने वाली मदद के बाद अब उनके परिवार और बुजुर्ग खुद इस ऑपरेशन से जुड़ रहे हैं। बताया जा रहा है कि अब तक लगभग 1,19,000 बुजुर्गों के रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, जिससे साल के अंत तक बढ़कर 5,00,000 तक कर लिया जाएगा। जिस तरीके से सवेरा से लोग जुड़ते जा रहे हैं, तो ऐसे में उन तक केवल डायल 112 की सेवाएं नहीं बल्कि अन्य 20 इमरजेंसी सेवाओं की पहुंच भी आसान हो जाएगी और उनके रेस्पॉन्स टाइम में भी कमी देखने को मिलेगी। गाजियाबाद से पीयूष गौड़, जी मीडिया। तो गाजियाबाद की पुलिस जो है वो बहुत शानदार काम कर रही है, सराहनीय काम कर रही है। समाज में एक धड़ा जो है, जो बुजुर्गों का जो तबका है, जो कहीं ना कहीं किसी न किसी वजह से अकेले रहते हैं, किसी न किसी वजह से उनके लिए ऑपरेशन सवेरा चला रही गाजियाबाद पुलिस, और ऐसे बुजुर्गों का डेटा गाजियाबाद पुलिस इकट्ठा कर रही है। तो बुजुर्गों के लिए यह ऑपरेशन सवेरा एक नई उम्मीद की किरण बनकर के आया है। बुजुर्ग जो अकेले रहते हैं उनके लिए ये खास तौर पर योजना तैयार की है गाजियाबाद कमिश्नरेट पुलिस ने। तो गाजियाबाद पुलिस तो बुजुर्गों की मदद कर ही रही है, लेकिन बुजुर्गों का दर्द है क्या? क्या बाकी जिलों में पुलिस ऐसा कुछ कर रही है? लखनऊ, वाराणसी और मुरादाबाद के बुजुर्गों का दर्द भी सुनिए। बुजुर्ग माता पिता अपने बच्चों के भविष्य को संवारने में पूरी ताकत लगा देते हैं, लेकिन आखिर में बहुत सारे ऐसे बुजुर्ग हैं जो बेसहारा हो जाते हैं। ऐसे ही बहुत सारे बुजुर्ग वाराणसी में हैं, जो मजबूरियों की वजह से अपने बच्चों से दूर हैं। बच्चे भी अपने बुजुर्गों की चिंता करते हैं, पर वो भी मजबूर हैं। सुनिए लखनऊ में पढ़ाई करने वाले जयेंद्र पाठक और गुरुग्राम में नौकरी करने वाली पूजा और बीएसएफ में कश्मीर में पोस्टेड शाहरुख खान की मजबूरियां। ऐसे में सभी चाहते हैं कि सरकार बुजुर्गों का ख्याल रखने के लिए कोई कदम उठाए। देखिए, बच्चे जब बाहर चले जाते हैं और वो सेटल नहीं रहते हैं, पढ़ने लिखने के लिए जाते हैं, तो एक तो उन लोगों की सुरक्षा की तो डर लगती ही है। सबसे ज़्यादा डर हम लोगों को अपनी सुरक्षा के लिए लगता है कि हम लोग मतलब उनके बिना कैसे रहे। वो साल में एक दो बार वो आ जाते हैं, सब आकर कुछ ही दिन रहते हैं, 2-4-10 दिन रहे चले गए जब छुट्टी रहती है तो, क्योंकि उनका भी अपना कैरियर है। लेकिन हम लोगों के साथ दिक्कत ये है कि कोई अगर ज़रूरत है, अगर हम बीमार हैं तो मुझे खुद जाना पड़ता है। मैं जॉब करती हूँ और मेरे जो मम्मी पापा हैं वो वाराणसी में रहते हैं और वो थोड़े बुजुर्ग भी हैं, तो बहुत बार ऐसा होता है कि उनकी कभी तबीयत ख़राब हो जाती है या कोई एमरजेंसी आती है, तो मैं एकदम से बनारस नहीं जा पाती हूँ, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो मैं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि वो कुछ ऐसी योजना या ऐसा कोई फैसिलिटीज़ लाएँ, जिससे हमारे पेरेंट्स के साथ अगर कभी अचानक से कोई घटना घटती है या कोई प्रॉब्लम होती है, तो हम जो बाहर रह रहे हैं उनको इतनी टेंशन ना हो। तो ऐसा कुछ किया जाए कि जिससे अगर कोई ऐसी बात होती है तो उनको हेल्प मिल सके हमारी फैमिली को। हम अपने परिवार से हमेशा दूर रहते हैं, ना हमें इतनी छुट्टी मिलती है कि हम हमेशा अपने परिवार का ध्यान रख सकें। मेरी माता जी का उम्र काफ़ी ज़्यादा है, तो कोई भी इमरजेंसी पड़ सकती है उनके साथ में, तो हम यह चाहते हैं सरकार कुछ ऐसा जरिया निकाले कि हमारे परिवार की मदद कर सके। यहाँ भी बहुत सारे परिवारों में बुजुर्ग अकेले रहते हैं। यहाँ के आशियाना क्षेत्र में पिछले 5 साल से पति पत्नी घर में अकेले रहते हैं। बेटा विदेश में नौकरी करता है तो बेटी की शादी हो गई है। आशियाना के रहने वाले संजीव अरोड़ा बैंक से रिटायर कर्मी है, जो अपनी पत्नी बेला अरोड़ा के साथ रहते हैं, जो एक स्कूल में टीचर हैं। हालांकि ये पुलिस से कोई मदद नहीं चाहते, बस चाहते हैं कि पुलिस कर्मी उनको कभी कभार कॉल कर उनका हालचाल जान ले, तो उनको अकेलापन नहीं खलेगा और वो भयमुक्त होकर घर में रहेंगे। होनी चाहिए कि भी जैसे सिर्फ हस्बैंड वाइफ हैं या कई बार स्पाउस में से भी एक ही केवल रह गया है जैसे, तो होना चाहिए कि पुलिस की कुछ ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि समय समय पर आके पूछें, या वैसे ही कॉल करके ही पूछ लें कि भाई सब ठीक ठाक है कि नहीं। ये कुछ ऐसा इंस्ट्रूमेंट हमें दे दिया जाए कि हम जैसे ही तुरंत कहें तो वो तुरंत पहुँच जाए हमारे पास, तो
तो कुछ इस तरह की व्यवस्था अगर हो तो अच्छा ही है। अब आपको मिलवाते हैं मुरादाबाद के एक बुजुर्ग दंपत्ति से, मुरादाबाद के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में रहने वाले रिटायर्ड चीफ इंजीनियर डॉक्टर एस पी जैन और उनकी पत्नी रिटायर्ड प्रिंसिपल सावित्री सिंगल। देखिए इस समय बतलाया हमें हमारे लोकेशन मकान की इस तरह की है कि यहाँ पर हमें सुरक्षा का कोई पुलिस आती है आपसे मुलाकात करने? कौन? कभी कोई पुलिसकर्मी ने आपसे आके मुलाकात करने? कोई नहीं आता, ना कोई आया। यहाँ पर लेटर पुलिस के हेड द्वारा इशू करने के बाद भी, रजिस्टर में एंट्री होने के बाद भी, हमको आज तक तो किसी ने विजिट किया नहीं कि आपको कोई सुरक्षा चाहिए या कुछ चाहिए, कुछ नहीं। कभी कभी वो लोग विजिट करें, यदि हमारी कोई प्रॉब्लम हो तो वो सुने, लेकिन ना तो वो सुनने की कोशिश करते हैं ना ही कभी विजिट करते हैं, और बस यही प्रॉब्लम है। संतान नहीं होने की वजह से बुढ़ापा अकेलेपन में गुजर रहा है। घर में अकेले तो रहते हैं लेकिन एक दूसरे का सहारा, इतना कि किसी बात का कोई डर नहीं, लेकिन सिर्फ सरकारी सिस्टम से